सो गाइस सब लोग वेट कर रहे हैं यार पल्सर NS200 कब आएगी एंड क्या इसकी प्राइस होगी। मतलब अभी तक प्राइस भी नहीं आई। और भाई एक भाई है जिन्होंने इसकी वीडियो भी डाल दी है, क्रेजी राइडर्स करके जो है चैनल है, तो उन्होंने जो भाई इसकी वीडियो भी डाल दी है। तो यहाँ पे आप लोग देखो बाइक जो है आ चुकी है स्टॉकयार्ड्स में, मतलब शोरूम्स में आ चुकी है। सबसे पहले जो है ये महाराष्ट्र में आई है और महाराष्ट्र में बनती है तो भाई सीधी सी बात है वहीं पर आएगी। बट बाइक जो है ना देखने में लाइक काफ़ी बढ़िया लग रही है पहले से। ओवरऑल जो है लुक्स कहीं ना कहीं हेडलाइट से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। एंड अभी जो है ना बाइक की डिलीवरीज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, प्राइसिंग वगैरह जो है डायरेक्ट डीलरशिप पे आपको देखने मिलेगी। अभी तक जो है बजाज ने कोई ऑफिशियली इसका लॉन्च नहीं किया है, बट पहले इसको डीलरशिप पे भेज रहे हैं, उसके बाद इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा हर एक डीलर्स के। आप लाइक जो है मान के चलो 1 हफ्ते 10 दिन में ना आपको हर एक डीलर के पास जो है बाइक देखने को मिल जाएगी। तो NS200 के लिए कौन कौन एक्साइटेड था भाई नीचे मेरे को ज़रूर बताना। एंड अब जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि यार हम बुकिंग करा सकते हैं या फिर कैसे क्या है, और क्या इसमें इंजन वगैरह में कोई अपडेट हुआ है नहीं हुआ। तो आपको बता दूं इंजन में कोई अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें 2 से 4 लिमिटेड चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला तो इसके अंदर LED हेडलाइट आ गई है, LED DRLs यहाँ पे ऐड ऑन कर दी गई है। जो हेलोजन लाइक जो इंडिकेटर्स थे उनको इन्होंने येलो लाइक जो है LED इंडिकेटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद पीछे जो है गाइस आपको लाइक इस बाइक में अभी ड्यूल चैनल ABS देखने मिलेगा, सो आगे पीछे दोनों ही जो है ABS देखने मिलेगा। उसके बाद इस बाइक में जो है गाइस आपको एक और बड़ा चेंज देखने मिलेगा, वो है मीटर। इसका जो मीटर है ना वो भी चेंज कर दिया है। बाकी ये जो पुरानी वाली बाइक थी बिल्कुल ऐसी की ऐसी एज इट इज़ आपको देखने मिलेगी इसमें, और इससे ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अब इन सब चीज़ों की जो प्राइस है ना वो अराउंड 5 से 6 हज़ार मैक्स टू मैक्स पड़ सकती है। बाकी मिनिमम मान के चलो कि 2 से 5 हज़ार, मतलब 2 हज़ार मिनिमम इसकी बढ़ेगी, एंड मैक्स टू मैक्स यदि मान के चल सकते तो 5 हज़ार, उससे ज़्यादा इसकी प्राइस जो है नहीं बढ़ने वाली। बाकी आप लोग ये बताओ मेरे को कि भाई NS200 अभी आप लोग लेना चाहोगे इस सेगमेंट में, या फिर कोई और बाइक है जिसकी तरफ आप जाना चाहोगे। यदि आपकी जेब में भाई 1,70,000 या फिर 1,60,000 रुपये मैं डाल देता हूँ तो भाई आप लोग कौन सी बाइक लोगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। क्योंकि अभी जो है जो अपडेट्स हैं वो लिमिटेड अपडेट्स हैं, उससे पहले कुछ अपडेट आए थे NS में जैसे कि USD सस्पेंशन वगैरह, ड्यूल चैनल ABS वगैरह, तो ये सारे अपडेट्स जो है पहले इसके अंदर आ चुके थे। लेकिन उसके बाद अब जो ये अपडेट आए हैं इनसे मेरे को लगता है कि जो बाइक है वो कंप्लीट हो चुकी है। मतलब इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बजाज से, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना मतलब वो अपने को मिल गया है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप लोग करोगे ना तो शायद आपको ना देखने को मिले कुछ भी। तो भाई अभी आप मेरे को ये बताओ कि NS200 लोगे या फिर MT15 लोगे या फिर Apache 200 4W लोगे, इस सेगमेंट में कौन सी बाइक आप लेना पसंद करोगे 2024 में। क्योंकि NS200 का ये ही मॉडल आपको जो है NS200 का लाइक 2024 में देखने मिलेगा, और यही 2025 में भी देखने को मिले। तो देखते हैं अभी इसका कोई फेसलिफ्ट जबरदस्त सा कोई अपडेट आता है कि नहीं। बाकी फिलहाल के लिए तो भाई यही है, 2024 में तो आपको यही खरीदनी पड़ेगी। और ठीक है लाइक पहले से अच्छा खासा अपडेट है तो आप लोग जो है इसको ले सकते हो, जल्दी आपके नियरशिप डीलरशिप में अवेलेबल हो जाएगी। बाकी आइए आपके कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।